रिव्यू उधर जाके दोगे। तो बहरहाल जो मैं तो पीछे बैठा रहा हूँ, मुझे तो यहाँ पे काफ़ी मतलब सर्दी है, अब कह लो कि गर्मी भी नहीं लगती और सर्दी भी काफी लगती है। अरे कहना क्या चाहते हो? अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अनदर व्लॉग। आज का जो व्लॉग है वो माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार होने वाला है, और आज का व्लॉग है जो आप लोगों को ना टाइटल देख के पता लग गया होगा। तो आज मैंने जाना है, आज नहीं आज सुबह निकलेंगे, तो सुबह मैंने जाना है मढ़ी, तो हमारा वहाँ पर एक दिन का स्टे भी है, तो हम ले कर जाएँगे अपनी कल्डर्स को। तो इसके साथ हमारा जो पहाड़ी इलाकों में जो होगा वो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होगा कि ये गाड़ी कैसा रिस्पांस देती है। तो बाकी साथ फैमिली होगी, तो उसके लिए ये है कि मैं फैमिली के साथ, आपको पता फिर उस तरह व्लॉग नहीं कर पाऊँगा, लेकिन फिर भी मुझसे जितना हो सका मैं उतना आप लोगों के लिए ज़रूर करूँगा। तो आप लोगों ने व्लॉग जो है वो पूरा देखना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो कल इंशाल्लाह 10-11 बजे हम यहाँ से निकल जाएँगे, तो फिर एक दिन का स्टे होगा, फिर उससे अगले दिन हम वापस आएंगे। आप सब लोगों को मेरी तरफ से एडवांस में ईद मुबारक, और अल्लाह हम सब की कुर्बानियों को कबूल फरमाए, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो बाकी व्लॉग फिर इंशाल्लाह कल शुरू करते हैं, तो मज़ा आएगा। मेरा खुद यकीन करें कि इस गाड़ी के साथ मैं जब से 2 साल हो गए हैं गाड़ी को कहीं पहाड़ी इलाकों में लेके नहीं गया, ना मुनाल लेके गया हूँ, क्योंकि हम इस्लामाबाद के रहने वाले हैं, इस्लामाबाद में जो जो नज़दीक पॉइंट हैं जैसे मढ़ी हो गया तो मुनाल हो गया, तो ना ही मैं मुनाल लेके गया हूँ ना ही मढ़ी लेके गया हूँ। तो अब इंशाल्लाह इसे इस दफ़ा मढ़ी लेके जा रहे हैं, अगली दफ़ा प्लान बना ला जिंदगी दे तो इंशाल्लाह इसको मुनाल की तरफ भी लेके जाएंगे। मुनाल में हालांकि मढ़ी से ज़्यादा चराई हैं, तो उसका भी होगा एक अलग व्लॉग होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मढ़ी जाते हैं। और मिलते हैं फिर कल, कल एक ही दफ़ा इंट्रो नहीं बोलूँगा, कल एक ही दफ़ा व्लॉग शुरू होगा, और आप कल आप जब व्लॉग देखेंगे तो हम इंशाल्लाह मढ़ी की रोडों पे घूम रहे होंगे। तो चलते हैं फिर।
भी उधर जाके दोगे। तो बहरहाल जो मैं तो पीछे बैठा रहा हूँ, मुझे तो पूछो ना कितनी है। ये आप लोग व्यू चेक करें, माशाल्लाह कितना प्यारा व्यू है। अच्छा इधर बिल्कुल भी गर्मी का पता नहीं लग रहा, वो हमारी कल्टस सामने खड़ी है वो उधर, तो मैं तो पीछे बैठ रहा हूँ। बड़े मज़े से आई है गाड़ी। तो बाकी रिव्यू जो है ना वो अब्दुल्ला, जिधर हम मतलब जो हमारी लोकेशन है ना, हम उधर जाके आप लोगों को रिव्यू देंगे कि कल्टस ऑन हिली एरिया इसका हमारा पहली दफ़ा रिव्यू रहा है, एक्सपीरियंस पहली दफ़ा, आप देखते हैं जाके। माशाल्लाह से काफ़ी प्यारा व्यू है। एक दिन का स्टे होगा हमारा इधर, तो बाकी आप व्यू देख सकते हैं। और इधर मौसम इतना अच्छा है कि यहाँ पे अभी गाड़ी लगाते हैं पार्किंग और फिर चलते हैं अपने रूम में। ये जगह है पाकिस्तान नेवी का, बस यहाँ पे गाड़ी पार्किंग लगाते हैं और चलते हैं अंदर, फिर आपको रूम शूम भी दिखाता हूँ। काफ़ी मज़ा आने वाला है इस व्लॉग में हमारा। ये हमें मिला है जो है ना अपार्टमेंट, लॉन है ये, और इसके साथ ये आप देखें कितना प्यारा व्यू आ रहा है। अब आपको मैं अंदर लेके जाता हूँ। ये वैसे इसके जो है व्यू, अब आपको इसका मैं अंदर का व्यू दिखाता हूँ। फर्स्ट इम्प्रेशन वाजिब आए। और दो रूम है, एक ये रूम है और ये टीवी लाउंज है, मतलब कि आप ड्राइंग रूम कह लें, डाइनिंग कह लें, कुछ बैठ के खाना छाना चाहें तो वो आप खा सकते हैं। अभी हम अपनी दोनों गाड़ियों को लेके जा रहे हैं ज़रा बाहर वॉक शक्कर, वॉक कह गया हूँ सॉरी, ज़रा घूम फिर के आते हैं। ये है जी माल रोड जो है, यहाँ का आप देख सकते हैं। ये है जी आल मशहूर जी पी ओ मड़ी, फोटो शूट हो रहा है यहाँ पे। ईद की वजह से जो है ना हर चीज़ ही बंद है, और माल रोड आप देख सकते हैं सारे बंद है। कौन से ये करंट वाली ना हो, करंट बड़ा बहुत हैवी किस्म की है। नहीं ये वाली करंट वाली तो नहीं है, उसमें आपने से किया कि ये सारी करंट वाली है ना, ये देखो लगा ले करंट। बाकी इधर ये जो अफगानी नहीं पहनते वो भी सामान पड़ा हुआ, ये जो अफगानी वगैरह टोपियाँ शोपियाँ पहनते हैं। अभी हम आए इधर मैशनेट फ्रिल, Thank you.
ये केक रस लेने आया था चाय वगैरह के साथ खाएंगे। बोला रिव्यू नहीं दिया गाड़ी का। गाड़ी अच्छी चल के आई है, कहीं भी इसने गाड़ी में तंग नहीं किया ना लोड लिया है। हाँ। मजे से चल के आई है। जो एसी भी साथ हम चलाते रहे। हाँ एसी भी चलता रहा और नॉर्मल जो गाड़ी है तीसरे गियर में ज्यादातर चलती रही है ना, तीसरे चौथे गियर में। तो इंशाल्लाह अंडर पावर फील नहीं हुई, कहीं भी होता है ना बंदे को थोड़ा सा लगेगा पावर कम है। तो क्योंकि ड्राइवर साहब ये थे, इनका रिव्यू लेना लाजमी बनता था। तो बस अभी हम जा रहे हैं अपने अपार्टमेंट में, वहाँ पे जाके हमारा नाइस डे होगा। कल्टस को हम उधर ही खड़े छोड़ आए थे क्योंकि हम बड़ी गाड़ी जो सिटी थी उसमें आ गए हैं, बंदे थोड़े थे इसलिए इधर आ गए। क्या व्यू है माशाल्लाह। गाड़ी दोनों गाड़ियां यहाँ पे पार्क कर दी हैं, तो क्योंकि अब शाम होने वाली है तो सर्दी भी काफ़ी हो गई है। खैर सीढ़ियाँ चढ़ के सांस आ जाता है, तो मैं एक मिनट ज़रा सामान निकाल लूँ गाड़ी से। खुल जा। ये जब से रिंग लाइट लगवाई है ना, तो उस वक्त से गाड़ी माशाल्लाह बहुत प्यारी लगती है। अब्दुल्ला का जो रिव्यू है वो आप लोगों ने जो है वो सुन लिया होगा कि गाड़ी थर्ड से फोर गियर में आई है। और दूसरी बात ये है कि यार कल्टस जो है ना, यकीन करें एसी लगा के आए हैं, चार बंदे थे, अडल्ट थे सारे, कोई छोटा बच्चा नहीं था, सारे मतलब बड़े थे। तो हम लोग कुछ सामान थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं था, थोड़ा बहुत सामान भी था इसमें गाड़ी में, तो माशाल्लाह बेहतरीन आई है, तीसरे चौथे गियर में आई है। आपको मड़ी की चराइयों का भी पता है, तो यहाँ पे जिस एरिया में अभी मैं आकर रुका हूँ तो यहाँ पे भी चराइयाँ हैं, तो यहाँ पे भी बड़े आराम सुकून से आई है, तो अच्छी है। मुझे पहले कुछ लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि यार ये हिली एरिया में कैसी है, कैसी इसकी ड्राइव है, मतलब कि ये अंडर पावर फील तो नहीं करवाती। तो अब्दुल्ला ड्राइव करता रहा, आपने उसका रिव्यू भी सुन लिया होगा, तो वो क्योंकि जो बंदा गाड़ी चलाता है उसको ज़्यादा बेहतर पता होता है। मैं तो पिछली सीट पे बैठा था, अपने मज़े से एंजॉय करता हुआ आया हूँ। खैर बाकी आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक, और आज ईद का फर्स्ट डे है, आप लोग ये व्लॉग हो सकता है ईद के बाद देख रहे हों, तो ज़ाहिर बात है ईद के बाद पहला दिन तो गुजर गया, तो आज रात का हमारा यहाँ पर स्टे है। तो बाकी आज बहुत मज़ा आया, उम्मीद आप लोगों को यार व्लॉग पसंद आया होगा, तो सब्सक्राइब करें, अपने भाई को दुआओं में याद रखें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।